हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज पीएचडी एडमिशन में हम डिस्कस करने वाले हैं श्री बालाजी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन्स के बारे में। तो यहाँ पर हम एडमिशन्स में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए गए हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये, लास्ट डेट है इसकी 29th of January। तो अगर आपने अभी तक यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल किए हैं तो आप फिल कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं सारी नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना है dynamicstudy.com पे। तो आप वेबसाइट को ओपन कर लीजिए dynamicstudy.com, और उसके बाद आपको जाना है टैब पे जो कि है आपका पीएचडी एडमिशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पहली नोटिफिकेशन हमारी श्री बालाजी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी पीएचडी एडमिशन्स के बारे में है, इस पर क्लिक कर लीजिए। तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे मेडिसिन है, डेंटिस्ट्री है, फार्मेसी है, नर्सिंग साइंसेस है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू जो डेट है इसकी वो 10th February है, एंड यहाँ पे जो लास्ट डेट है सबमिशन की वो है 29th of January, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। पीएचडी प्रोग्राम जो है आपके वो 21st February से स्टार्ट होंगे, एंड यहाँ पे पीएचडी क्राइटेरिया भी इन्होंने दिया हुआ है, एटलीस्ट आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, 55-50% मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, यानी कि आप अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% मार्क्स का, मतलब 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है, 50% मार्क्स भी आपका एलिजिबिलिटी है। और अगर आप इस पर्टिकुलर रिजर्व क्राइटेरिया से नहीं हैं तो आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट आपको भेजना है 500 रुपीज़ का, और उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 500 है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है ये इन्होंने दिया हुआ है कि जेआरएफ अगर आपका है तो भी आप अपीयर कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई वगैरह है, या फिर आपका यूजीसी है, सीएसआईआर है, आईसीएमआर है, डीबीटी है, डीएसटी है, गेट है, आयुष है, इंस्पायर है, इन किसी में से भी एग्ज़ाम में आपने अगर क्वालिफाई किया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो पीजी लेवल का आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसके क्या स्कोर थे आपके, उसको भी कंसीडर किया जाएगा। फेलोशिप जो मिलेगी वो 1500 पर मंथ की है। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे क्लिक कर लीजिए। तो यहाँ से आपकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप वहाँ पे सारी नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लीजिए, और आप अगर एलिजिबल हैं तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको एडमिशन टू पीएचडी ओपन मिल जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट्स जो यहाँ पे अवेलेबल हैं, फार्मेसी है, योगा है, योगा थेरेपी है, एंड इसके अलावा और भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बायोकेमिस्ट्री भी है, पैथोलॉजी भी है, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।